तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना अपने किसी नंबर के आप इंटरनेशनल नंबर से आप एक फेक व्हाट्सएप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। यहां पर दोस्तों मैंने एक इंटरनेशनल नंबर से यहां पर मैंने अपना एक फेक व्हाट्सएप अकाउंट यहां पर मैंने बनाया है। दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का नंबर है। तो दोस्तों आप भी अगर फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर जैसे ही आप ओपन कर लेंगे आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्लस ऐप एप्लीकेशन है उसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करके उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, एक साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आपको गेट स्टार्टेड पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अलाउ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर फ्री नंबर पे आपको क्लिक कर देना है नीचे वाले पे। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई मांगेगा, ऐड मोबाइल नंबर, ऐड जीमेल नंबर। यदि आप मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप जीमेल से करना चाहते हैं तो जीमेल से वेरीफाई कर सकते हैं। मैं दोस्तों यहां पर जीमेल से वेरीफाई करूंगा तो मैं जीमेल पे क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर अपना एक जीमेल डाल देना है। जैसा कि यहां पर मैंने अपना जीमेल डाल दिया। जीमेल डालने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे यहां पर दोस्तों आपकी जीमेल में एक मैसेज द्वारा कोड जाएगा, उस कोड को यहां पर आपको फिल कर देना है। तो दोस्तों यहां पर मैं अपना कोड यहां पर मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देंगे यहां पर दोस्तों आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों सिलेक्ट योर स्टेट, आपको यहां पर से कोई सा भी एक अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर सिलेक्ट योर एरिया कोड, यहाँ पर दोस्तों आपको कोई सा भी एक एरिया कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों गेट ए कस्टम नंबर, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको वेलकम लिखा होगा पार्टी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर दोस्तों आपके सामने वो व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यूनाइटेड अमेरिका का नंबर है ये। तो ये नंबर को आपको अपने व्हाट्सएप में डालना है। किस में डालना है? अपने व्हाट्सएप में डालना है। यहाँ पर दोस्तों मैं बैक आके मैं अपने व्हाट्सएप में चला जाता हूँ। व्हाट्सएप में आने के बाद दोस्तों एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वो नंबर आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर मैंने कॉपी करके रखा है तो मैं इस नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 1+ हटा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर से 19 हटा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट का मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कनेक्टिंग होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर करेक्ट है, सही है कि नहीं है। तो आपको सही होगा तो ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पर इस नंबर पे ओटीपी जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से वही नेक्स्ट प्लस में आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बैक करना है। जैसे ही आप बैक आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आप मैसेज में देखेंगे तो यहाँ पर ओटीपी आ गई है। तो आपको इस ओटीपी को उसमें फिल कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी टेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से व्हाट्सएप में अपने आ जाना है। व्हाट्सएप में आने के बाद दोस्तों उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वेरीफाई कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों मेरा एक फेक नंबर से अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। मैं अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नाम मांगेगा तो मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर नाम डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्लीज़ वेट ए मोमेंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका व्हाट्सअप क्रिएट हो चुका है, वो भी एक फेक नंबर से। मैं आपको फिर से आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर अकाउंट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सेटिंग पे गया। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपने प्रोफाइल पे गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं
मेरा एक फेक नंबर से यानी अमेरिका का नंबर से व्हाट्सअप बना के आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया। तो इस तरह दोस्तों आप फेक व्हाट्सअप बना सकते हो, वो भी एक वर्चुअल नंबर से। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताना दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट लगे। मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई जानकारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आपको प्यार भरा नमस्कार।